So hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ महक को मजबूरन रुकना पड़ जाता है दिशा के घर और यहाँ दिशा को अपना बेड शेयर करना पड़ता है महक के साथ. महक तो आराम से सो जाती है पर दिशा को नींद नहीं आती. वो थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी कैसे ही सो जाती. उसकी बॉस उसके साथ जो सोई हुई थी उसी के बेड पे क्या दिशा थोड़ा अनकम्फर्टेबल होती है फिर सोने की ट्राई करती है तो फाइनली उसे नींद आ जाती है. यहाँ महक बहुत सुकून से सो रही थी तभी महक को खांसी लगती है और उसकी आँख खुल जाती है. महक उठती है तो उसकी नज़र दिशा पे जाती है. दिशा महक के बहुत पास सो रही थी. महक मुस्कुराते हुए दिशा को देखती है. दिशा के फेस को वो पहली बार तो नहीं पर इतने करीब से बहुत टाइम बाद देख रही थी. महक बोलती वाह मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी. महक दिशा के चीक्स को हल्का सा टच करती है. दिशा के फेस पर सोते टाइम भी एक प्यारी सी स्माइल थी. महक मुस्कुराते हुए दिशा के करीब जाने लगती है और ना जाने क्यों महक का मन कर रहा था कि वो दिशा के थोड़ा और पास जाए. इसीलिए महक खिसकते हुए दिशा के करीब जाके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है. तभी महक को अपनी टमी पे किसी का हाथ फील होता है. महक डर के मारे आँख खोलती है पर वो देखते हैं कि दिशा ने उसे हक कर लिया है. महक दिशा को खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर इसमें दिशा की नींद ख़राब हो रही थी. दिशा नींद कर रही थी जिसकी वजह से महक अब उसे पुश नहीं करती और दिशा आराम से सो रही थी. महक एक बार फिर से दिशा को बहुत प्यार से देखने लगते हैं और फिर उसे उसकी फ्रेंड की याद आती है. अरे ऑफिस में होंगी ना क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी हसीनाएं. हाँ तो तुम उसे नहीं तारती रहती होगी. तो महक दिशा को देखते हैं पता नहीं था तुम इतनी सुंदर हो. शायद मैंने कभी तुम्हें इतने ध्यान से देखा ही नहीं. महक इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और फिर अपनी आँखें बंद कर लेती है. महक की भी आँख लग जाती है. अगले दिन महक की आँख खुलती है शोर से. वो इरिटेट होकर उठती है अरे यार इतना शोर क्यों रहा प्लीज़ कोई शोर बंद करो. पर कोई भी महक की आवाज़ नहीं सुन रहा था. महक इरिटेट होकर उठती है इतना शोर क्यों. महक देखती है दिशा तो इतने शोर में भी आराम से सो रही थी क्योंकि दिशा को तो आदत थी वो शोर में सो जाया करती थी पर महक को नहीं. उसे सुकून पसंद माहौल चाहिए था सोने के लिए. महक बोलती दिशा दिशा वेकअप. दिशा बोलती क्या है. महक बोलती उठो ये शोर बंद कराओ. दिशा बोलती बच्चे हैं खेल रहे हैं मेरी नहीं सुनेंगे. महक बोलती आई वांट टू स्लीप बंद करो इन्हें बोलो बंद करें सब मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में. दिशा बोलती खुद ही बोल दो सोने दो मुझे अब. दिशा इतना बोल के फिर से सो जाती है. महक विंडो के पास आती है बच्चों प्लीज़ थोड़ा कम शोर करो आई वांट टू स्लीप. पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था. महक बोलती है बच्चे सुबह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं यार. महक इरिटेट होकर नीचे आती है डांटते हुए कहती स्कूल जाने का टाइम है स्कूल क्यों नहीं जाते तुम लोग. जिस पर कहते अरे दीदी आपको क्या आप जाके अपना काम करो. महक को गुस्सा आ जाता है. तभी वहाँ एक उसे एक आदमी बैठा था. महक ने बोलती अरे चाचा जी ये स्कूल क्यों नहीं जाते और इतना उधम क्यों मचा रहे हैं सुबह सुबह. तो कहते अरे बेटा बच्चे हैं शैतानी तो करेंगे ना. महक बोलती इनके पेरेंट्स कहाँ हैं. हाँ और इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा. इस पर बोलते अरे बेटा स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाए तभी स्कूल वालों ने बच्चों की छुट्टी करा दी. अब देखो उसी खुशी में रोज़ उछल के खेलते हैं और सबकी नींद ख़राब करते हैं. महक बोलती व्हाट तो मतलब इन्हें स्कूल भेजना पड़ेगा फिर जाके किस स्कूल से सोने देंगे किसी को. तभी यहाँ महक को कॉल आ जाता है. महक कॉल पिक करती है कॉल उसके पापा थे ये थी. उसके पापा बोलते महक वो महक बोलती क्या हुआ पापा जी. नाना जी तो ठीक है ना. उसके पापा बोलते बेटा वो तो तुम्हारे नाना जी की तबीयत बहुत ख़राब है. मैं कार भेज देता हूँ तुम लोकेशन बताओ जल्दी से बाप यहाँ आ जाओ. महक बोलती क्या क्या हुआ वो ठीक तो है ना पापा प्लीज़ मुझे सब सब सच जानना है. तो इस पर उसके पापा बोलते महक बेटा प्लीज़ मैं कार भेज देता हूँ ओके. तभी महक बोलती है ठीक है मैं लोकेशन शेयर करती हूँ. महक कॉल करती है और बहुत पैनिक करने लगती है. लिटरली उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि अपने नाना जी से बहुत प्यार करती थी. वो जल्दी जल्दी अपना मोबाइल को व्हाट्सएप खोलती है लोकेशन भेजने के लिए कि इतने में ही दिशा के पापा आ जाते हैं. वो कहते बेटा तुम्हारी कार बन गई है ये लो तुम्हारी कार की चाबी. महक बोलती थैंक यू सो मच अंकल. वो जल्दी से कार स्टार्ट करती है.
दिशा के पापा थे, बेटा पर तुम कहाँ जा रही हो? महक जल्दी से बस वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दिशा के पापा घर आते हैं। दिशा दिशा उठो। दिशा बोलती क्या है पापा? उसके पापा थे, बेटा उठो ना, सुबह हो गई। दिशा बोलती प्लीज़ आप ये ना मत बोलना कि महारानी के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ, मैं नहीं बनाऊँगी। जिस पर उसके पापा बोलते तुम्हारी बॉस चली गई कब की, अब उठो। दिशा एकदम से उठते, व्हाट चल चली गई कहाँ, कब कब गई? जिस पर उसके पापा होते जब तुम आराम से घोड़े गधे बेच के सो रही थी। जिस पे बेचारी दिशा उठती है और कहती है ठीक है मैं शावर लेने जा रही हूँ। दिशा जल्दी से जाती शावर लेती है और शावर लेने के बाद वो अपनी स्कूटी पे बैठ के ऑफिस चली जाती है। पर ऑफिस आके उसे पता चलता है कि अभी तक मैं आपको ऑफिस नहीं आई। दिशा बोलती मेरे घर से तो कब की चली गई थी, ऑफिस क्यों नहीं आई? अब तक तूने फ्रेश होकर ऑफिस आ जाना चाहिए था। खैर मुझे क्या। दिशा इतना बोल के अपना काम करने लगती है। दिशा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसे सडनली याद आता है, ओह शिट मैं ब्रेकफास्ट करना कैसे भूल सकती हूँ। इसलिए वो जल्दी से भागती है और जाके अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेती है और वहीं बैठ के करने लगती है। और तभी मैनेजर आते हुए दिखता है। दिशा तुरंत छुपती है और छुप के खाती है, क्योंकि उसे पता था मैनेजर उसे खाने नहीं देगा। वहाँ दूसरी तरफ महक महक पहुँच जाती है, जिस हॉस्पिटल में उसके नाना जी और मम्मा पापा थे। महक तुरंत वहाँ जाती है, वो रूम के अंदर जाने लगती है, पर उसके पापा उसे जाने नहीं देते। महक बोलती पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नाना जी को देखना है। जिस पर उसके पापा रोने लगते हैं और महक समझ जाती है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। महक चिल्लाते हुए कहती पापा पापा ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मुझे डर लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। महक अंदर जाती है और जिस चीज़ का डर था वही हुआ था। महक के नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। महक की मम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। महक भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, अपने नाना जी का हाथ पकड़ के वो रोने लगते कि मुझे माफ़ कर दो नाना जी, मैं आपके पास नहीं थी। महक बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके पापा उसे समझाते हैं, महक बोलती आपने मुझे क्यों झूठ बोला कि वो ठीक है, मैं आ सकती थी ना रात में भी, आपने मुझे झूठ बोला पापा। जिस पर उसके पापा उसे हक करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद महक के नाना जी को ले जाया जाता है उनके अंतिम संस्कार के लिए। महक की मम्मा की तो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होती है। महक अपनी मम्मा को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और महक के पापा वहीं रह जाते हैं। महक अपनी मम्मा को लेकर हॉस्पिटल आई थी, उसकी मम्मा भी अनकॉन्शियस थी। वो जैसे होश में आती है वो रोने लगती है अपने पापा का नाम पुकार के। महक अपनी मम्मा को हक करती है, उन्हें संभालती है, और महक खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर वो किसी को भी अपने आंसू दिखाती नहीं है। महक अपनी मम्मा को समझाती, उन्हें कहती माँ एक ना एक दिन हम सबको जाना है ना, हाँ आप प्लीज़ खुद को संभालो, नाना जी के हाथ में नहीं था ना, वरना वो आपको छोड़ के मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते वहाँ। महक अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, अपनी मम्मा का दर्द महक इस टाइम समझ पा रही थी। इतने में महक के पापा भी आ जाते हैं, वो भी अपनी वाइफ को समझाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। महक की मम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इवन महक की पूरी फैमिली ने किसी ने कुछ नहीं खाया था। महक के कुछ रिलेटिव्स भी नीचे घर रुके हुए थे। महक अपनी मम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है, पर महक की मम्मा खा ही नहीं रही थी। महक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मम्मा खा लो, पर उसकी मम्मा नहीं खा रही थी। महक की जो मम्मा थी ना, उनका एक छोटा भाई था जिसकी एज जो है वो महक से थोड़ी ही ज़्यादा थी। लाइक महक अभी यंग थी, 23-24 अराउंड, और उसके जो मामा जी थे वो 28 थे, तो वो भी वहाँ पे थे। तो वो कहते हैं दीदी प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ आप कुछ खा लो ना, और अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। फिर महक कहती है मम्मा देखो मामा जी आपसे छोटे हैं पर आपसे ज़्यादा समझदार है, कैसे आपको संभाल रहे हैं, आपको इन्हें संभालना चाहिए। तो महक की मम्मा फिर अपने आंसू पोंछती हैं और वो कहती है कि अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरे बाप हूँ, और बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। क्योंकि महक की जो नानी थी वो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, और अब नाना जी भी। तो महक की मम्मा अपने भाई को संभालते हैं। यहाँ दिशा को अच्छा नहीं लग रहा था, ऑफिस में हमेशा महक उससे बस परेशान ही क्या करती थी, लेकिन दिशा का मन लगा रहता था ऑफिस में। आज महक नहीं थी इसलिए दिशा को अच्छा नहीं लग रहा था। दिशा मैनेजर से पूछ ही लेती है कि आज महक मैम नहीं आई। जिस पर कहती तुम्हें क्या लेने थे ना, चुपचाप जाके अपना काम करो। महक बैठ के अपना काम करने लगती है और तभी वो मैनेजर को किसी से बात करते हुए देखती है। मैनेजर किसी को बोल रहा था कि बॉस की जो नाना जी हैं उनका
हाँ डेथ हो गई है तो इसलिए बॉस कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आएंगे। अब दिशा को सुन के थोड़ा बुरा लगता है और फिर दिशा मन में यही सोच रही थी कि कैसी लड़की है, घर पे मैंने रहने दिया ना, इसने थैंक यू बोला ना, कुछ मुंह उठा के चल दी। पर अब उसे समझ आ जाता है कि महक ऐसे बिना बताए क्यों गई थी, इसलिए दिशा उससे नाराज़ नहीं थी, उसे बुरा लग रहा था महक के लिए। दिशा काम करते हुए बस यही सोच रही थी, क्या महक अपने नाना जी से अटैच्ड होगी? मुझे लगता है वो उस टाइम बहुत सैड होगी, ऑफकोर्स वो सैड होंगी, और वो बस महक के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी कोवर्कर बोलती है, अरे क्या सोच रही हो तुम? दिशा बोलती कुछ कुछ भी नहीं। वो बोलती चलो लंच टाइम हो गया। तो वो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। तो यहाँ दिशा खाना भी नहीं खाती है। देखते देखते शाम होने को आई थी, दिशा का मन नहीं लग रहा था, ऑफिस में सारे जा रहे थे और दिशा की नज़र महक के कैबिन की तरफ थी। उसे याद आता कि लास्ट टाइम कैसे महक अपने कैबिन से निकल के आई थी, उसे घर ड्रॉप किया था। फिर दिशा थोड़ी अपसेट होकर अपना सामान वाइंड अप कर दिया और अपनी स्कूटी पे बैठ जाती है और कहती देख यार आज मेरा साथ मत छोड़ देना, आज महक नहीं है मुझे लिफ्ट देने के लिए। और फिर दिशा महक को मिस करने लगती है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था, उसे तो खुश होना चाहिए था पर वो खुश नहीं हो रही थी। अब दो तीन दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, दिशा रोज़ इस उम्मीद से ऑफिस में जाते हैं कि आज महक ज़रूर आएगी, पर महक नहीं आती। तीन दिन पूरे बीत गए थे, महक ऑफिस नहीं आती। वो अपनी मम्मा को, अपने मामा जी को, अपने पूरे परिवार को संभालने में जो लगी हुई थी। चौथे दिन महक के पापा उसे बोलते हैं कि बेटा ऑफिस भी तो संभालना है ना, मुझसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ रुकता हूँ तुम्हारी मम्मा के पास, तुम ऑफिस को संभालो। इस पे महक बोलती है ठीक है। महक की आंखें खुद सूज गई थी रो रो के, पर वो सबके सामने नहीं रोया करती थी, रात में अकेले में छुप छुप के रोती थी। महक अपनी आंखों पे गॉगल्स लगाए अच्छे से रेडी शेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। महक जब ऑफिस में आती है तो सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और कुछ लोग उससे अफसोस जताने के लिए आ रहे थे, पर महक मना कर देती है और कहती है कि देखो भगवान की मर्ज़ी के आगे इंसानों की मर्ज़ी नहीं चलती है, तो मैं जानती हूँ जो भी हुआ भगवान की मर्ज़ी से हुआ, मैं बदल नहीं सकती, तो आप लोग प्लीज़ अपना काम कीजिए। सबको लगता है यार कैसी लड़की है, ऐसे तो अपने नाना जी का दुख भी नहीं है एंड ऑल। लिटरली दिशा भी थोड़ा पहले यही सोचती है कि खड़ूस कहीं के, वैसे भी इसे क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। फिर दिशा अपना काम करने लगती है। तभी यहाँ मैनेजर महक के पास आता है और वो कहता है कि महक मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महक बोलती है हाँ बैठो। तो वो महक को प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। महक बोलती है इस टाइम जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है उसे बुला के लाओ। तो एक लड़का था जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, महक उससे बात करती है और उससे बोलती है क्या इस तरह तुम प्रोजेक्ट को लीड करोगे, हाँ इस तरह से काम चलेगा? महक उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और उससे बोलती है कि यू आर फायर्ड ना। वो कहते मैम पर आई एम सॉरी मैम, मैं सब ठीक कर दूंगा। महक बोलती आई सेड यू आर फायर्ड नाउ और उसके बाद उस लड़के को कैबिन से बाहर भेज देती है। मैनेजर बोलते मैम आपने क्या किया, अब यह प्रोजेक्ट कौन करेगा? तभी महक को दिशा की याद आती है। महक अपने टेबल पे फाइल देखते हैं, वो उठाती है, वो फाइल दिशा की ही थी। महक बोलती है कि ये फाइल दिशा ने बनाई है, जिस पे वो उसे देखते हैं तो वाओ ये सच में दिशा ने बनाई है। महक बोलती है प्रोजेक्ट वही लीड करेगी। वो बोलता है मैम पर वो न्यू है। महक बोलती है तुम्हारे ओल्ड एम्प्लॉय ने भी अच्छा काम करके दिखाई दिया मुझे, अब न्यू को चांस दे के देखो। वो बोलता है ठीक है मैम जैसे आप बोलो। और उसके बाद मैनेजर बाहर चला जाता है, वो महक को मीटिंग रूम में बुलाता है। महक परेशान हो जाती है कि भाई मुझे मीटिंग रूम में क्यों बुलाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पर ऑलरेडी 8 लोगों की टीम काम कर रही थी, एक को निकाल दिया गया था यानी अब बाकी बचे 7 लोग। तभी महक आती है, मैं आई कम इन सर? तो मैनेजर बोलते हैं या कम इन। महक वहाँ आती है, फिर मैनेजर उसे बताते हैं कि अब तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगी, मैंने तुम्हारी फाइल देखी थी महक मैम की टेबल पे, तुमने एक बहुत इंप्रेसिव काम किया, मैं तो बहुत खुश हुआ तुम्हारे काम से। जिस पे दिशा बोलती पर महक मैम नहीं, वो नहीं करने देंगे मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम। जिस पे मैनेजर बोलता है उन्होंने ही बोला कि तुम ये प्रोजेक्ट लीड करोगी। अब ये सुनते ही दिशा तो खुश हो जाती है, क्या सच में महक मैडम ने बोला है? जिस पे बोलते हाँ महक मैडम ने बोला है। जिस पे दिशा की खुशी का ठिकाना नहीं था, दिशा बहुत खुश होती है। मैनेजर सबको इंट्रोड्यूस कराता है महक दिशा से और बताता है कि ये तुम्हारी टीम है, तुम्हें इसके साथ मिलके काम करना है। जिस पर बोलती है ओके सर, और उसके बाद दिशा अपना काम करने लगती है। दिशा बहुत खुश थी, उसे लगता है कि उसे महक को थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, इसलिए दिशा महक को थैंक्स बोलने के लिए कैबिन में आती है, नोक करती है। महक दरवाज़ा नहीं खोलती, तो वो फिर से नोक करती है, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो दिशा परेशान हो जाती है, महक ठीक तो है ना? दिशा रूम के अंदर आती है और जिस चीज़ का डर था वही होता है। महक ठीक नहीं थी, वो नीचे फ्लोर पे ऐसे बेहोश पड़ी थी। दिशा की थी महक मैडम क्या हुआ आपको, आंखें खोलो मैम प्लीज़ आंखें खोलो। दिशा तुरंत पानी लेती है और थोड़ा सा महक के ऊपर डालती है, पर महक की आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। दिशा महक को
उठाने की कोशिश कर रही थी, फिर से पानी डाल दिया तो मैं हल्की हल्की आँखें खोलती हूँ। दिशा बोलती अब ठीक तो है ना, देखिए मेरी तरफ, अब ठीक है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा होश में आने लगती है और उठने लगती है, तो दिशा मैं को संभालते हुए उसे सोफे पर लिटाती है और कहते हैं मुझे लगता है आप ठीक नहीं है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। महक बोलती मैं ठीक हूँ। तभी दिशा महक की आँखों को देखती है, महक की आँखें पूरी तरह से सूजी हुई थी, महक के होंठ एकदम खुश्क से पड़ गए थे, साफ दिख रहा था कि महक की तबीयत ख़राब है, शायद महक ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। दिशा तुरंत पानी का गिलास लेके आती है, महक को थोड़ा सा ऊपर करती है और उसे पानी पिलाती है। महक वहीं पे फिर से लेट जाती है। दिशा चेक करती है तो महक को फीवर था। दिशा महक के नेक पे हाथ रख के कहती है आपको तो फीवर है, मुझे मुझे डॉक्टर को बुलाना ही होगा। दिशा इतना बोल के अपना मोबाइल निकालती है कॉल करने के लिए, पर तभी महक दिशा का हाथ होल्ड करती है, नो डॉट डॉट कॉल द डॉक्टर, पापा को पता चल जाएगा, वो पहले ही बहुत परेशान है। जिस पे दिशा एकदम हैरान हो जाती है कि यार क्या लड़की है, अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती इसलिए अपनी बीमारी छुपा रही है उनसे। फिर दिशा बोलती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। दिशा बाहर जाती है, उसे महक की बहुत फिक्र हो रही थी। दिशा ऑफिस के किचन में जाती है, वहाँ एक बाउल में वो कुछ आइस क्यूब्स डालती है, पानी डालती है और अपना रुमाल निकाल के बीच में डाल देती है। फिर वो वापस कैबिन में आती है और महक के माथे पे पट्टियाँ रखने लगती है, उसके नेक पे, उसके हाथों पे, क्योंकि महक को बहुत तेज़ फीवर हो रखा था। थोड़ी देर के बाद महक का फीवर थोड़ा कम हो रहा था और दिशा वहीं बैठे बैठे सो गए थे। यहाँ महक की आँख खुलती है, महक कहती आह मैं क्यों थोड़ा सा ऊपर उठती हुई थी, शिट मैं सो गई थी क्या, मेरा सर। तभी महक की नज़र दिशा पे जाती है। दिशा ने अभी भी महक का हाथ होल्ड किया हुआ था और उसी हाथ पे जो है वो दिशा का रुमाल भी था। महक कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। दिशा उठते कहती है हाँ सॉरी अब ठीक है ना, फीवर उतरा आपका। दिशा इतना बोल के महक के फोरहेड पर उसके नेक पे टच करती है, जिस पे महक दिशा को देखने लगती है। दिशा थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हुए पीछे होते कहती सॉरी वो आपकी तबीयत ख़राब थी तो मैं बस महक बोलती तुम मेरे केबिन में क्या करने आई थी। दिशा बोलती मैं तो बस थैंक्स बोलने आई थी। महक बोलती फॉर व्हाट। दिशा बोलती प्रोजेक्ट लीड करने का मौका देने के लिए। महक बोलती गेट आउट फ्रॉम माय कैबिन, जब तक मैं बुलाऊं नहीं अंदर मत आना। दिशा बोलती सॉरी। दिशा वहाँ से चली जाती है। दिशा बोलती एक तो मैंने उसकी हेल्प की और ऊपर से वो मुझ पे चिल्ला रही थी। या महक उठ के बैठते उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, दिशा का रुमाल वहीं छूट गया था। महक उस रुमाल को उठा दिया, तभी पास पड़े हुए बाउल पर नज़र जाते हैं जिसमें अब सिर्फ ठंडा पानी ही रह चुका था, आइस क्यूब्स ख़त्म हो गए थे। महक थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो मेरा ख्याल रख रहे थे। महक थोड़ा ब्लश करने लगते हैं। महक उठ के अपनी चेयर पे आती है और फिर से अपना काम करने लगते हैं और दिशा वो बाहर जाते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर उन सबको कॉफ़ी मिला के देने लगता है। जिस पे दिशा से बोलती है आप एक काम करो, आप महक मैडम से भी पूछ लो, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जिस पे बोलते हैं ठीक है, फिर उन्हें अंदर जाता है, महक से पूछता है कि मैम आपको कुछ चाहिए। जिस पे महक बोलती है नहीं कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। फिर उन बाहर जाता है, दिशा कहती है क्या उन्होंने कुछ बोला, तो बोलते हैं नहीं। तभी फिर उनको फिर से महक बुला लेती है, कहते एक मिनट। फिर उन्हें अंदर जाता है, महक उसे कहती है एक कप बढ़िया से कॉफ़ी ला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर उन कॉफ़ी बनाने जाता है, दिशा उसे पूछती है महक के लिए, तो बोलता हाँ। दिशा बोलती है मैं बना देती हूँ। जिस पर कहते हैं महक मैम की कॉफ़ी को आपको पता नहीं है, बहुत चूजी है वो। जिस पर कहती है डोंट वरी मेरे हाथ की कॉफ़ी उन्हें पक्का अच्छा लगेगी। दिशा बढ़िया से कॉफ़ी बनाती है क्योंकि उसे महक की रात वाली बात याद आती है कि तुम्हारी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। दिशा जल्दी से कॉफ़ी बनाती है और पियून को कहती है अब ले जाओ। पियून कॉफ़ी लेके जाता है और महक को देता है। महक एक सिप लेती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था। टेस्ट करते ही महक समझ आती है कि ये कॉफ़ी प्यून तो नहीं बना के आया, ये पक्का दिशा के हाथ की है। महक अच्छे से कॉफ़ी पीते और फिर अपना काम करने लगते हैं। देखते ही देखते काफ़ी लेट हो गया था, सब लोग चले जाते हैं लेकिन दिशा को काम करना था। फाइनली उसे उसका ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला था, वो कैसे ये मौका गवा दे। वो रात तक जा के काम कर रही थी, तभी महक बाहर आती है, वो दिशा को देखती है और कहती तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। दिशा बोलती वो अपने ट्रस्ट करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे सौंपा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको निराश नहीं करना चाहती। महक बोलती मैंने कोई ट्रस्ट नहीं किया तुम पे, ठीक है ना, और तुम जाओ अब टाइम हो गया है, सब सब जा चुके हैं।
दिशा बोलती है हाँ मैं बस चले जाऊंगी अभी। दिशा अभी भी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में देख रही थी। नैना तुरंत उसका कंप्यूटर बंद कर दिया कि तुम्हें एक बार मेरी बोली हुई समझ में नहीं आती। दिशा बोलती सॉरी। दिशा अपना सामान सारा उठा दिया और उसके बाद वो लिफ्ट की तरफ जाने लग जाए, लेकिन महक के लिए रुक जाती है। महक भी उसे लिफ्ट में आ जाती है, दोनों ही लिफ्ट में थे। तभी महक दिशा को देखती है, दिशा भी महक को देखती है। इन दोनों का एक स्वीट सा आई कॉन्टैक्ट होता है, पर तुरंत ही दिशा अपनी नज़रें चुराने लगती है। महक थोड़ा सा मुस्कुराती है। दिशा बोलती है वो जो हो गया सो हो गया। महक बोलती व्हाट? दिशा बोलती आई मीन आपने सही कहा था, हम वक्त नहीं बदल सकते और ना ही हम इंसानों के हाथ में कुछ होता है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना, जो लिखा होता है वही होना होता है, राइट? महक बोलती किसके बारे में बात कर रही हो तुम? दिशा बोलती आपके नाना जी के बारे में। महक बोलती जानती हूँ मैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दिशा बोलती जानती हूँ आप बहुत समझदार हैं, बट आपकी हालत। महक बोलती क्या हुआ मेरी हालत को? दिशा बोलती शायद आप रात भर रोई हैं और ढंग से सोई नहीं है, इसलिए आपकी आंखें सूज गई हैं। महक तुरंत गॉगल्स लगाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी लिफ्ट खुल जाती है, महक बाहर जा रही थी। तभी महक को थोड़ा चक्कर से आने लगता है। महक यूँ हाथ लगाती है पकड़ने के लिए लिफ्ट को, पर वो पकड़ नहीं पाती। तभी दिशा महक को होल्ड करती है, आर यू ओके? महक बोलती हाँ आई एम फाइन। और उसके बाद दिशा महक का हाथ टाइट होल्ड कर लेती है, कहती नो यू आर नॉट फाइन, अब चलो मेरे साथ। दिशा महक को वापस से लिफ्ट के अंदर ले जाने लगते हैं, पर महक मना कर देती है, नहीं मुझे घर जाना है। और फिर ये दोनों ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। महक अपनी कार में थी, दिशा वहीं रुकी हुई थी। महक बोलती वॉट घर जाओ अपने। दिशा बोलती आप ड्राइव नहीं कर सकती, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। महक बोलती ठीक हूँ मैं। महक कार स्टार्ट करती है, दिशा एकदम से महक की कार के सामने आ जाती है, कहती है नहीं मैं आपको ड्राइव नहीं करने दूंगी। महक बोलती तो क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? जिस पर दिशा नाम ही सर हिलाती है। महक बोलती नाउ मूव। दिशा बोलती आप कैब 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 क्यों नहीं कर लेती? आप कैब कैब पक्का मिल जाएगी इस एरिया में। महक बोलती मेरे पास खुद की कार है, मूव। पर दिशा नहीं हट रही थी। महक गुस्से से नीचे उतरती है, दिशा का हाथ पकड़ के उसे साइड करती है, कहती ओ हेलो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद का ख्याल रख सकती हूँ। दिशा बोलती पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। महक बोलती तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे दिखाओगे तो कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, तो तुम्हें उसके बदले में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, तो तुम गलत हो। दिशा बोलती मैं इसके लिए सॉरी, आपसे बात करने मेरी गलती थी, आपकी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। महक बोलती तो मत करो, मैंने बोला मेरी फिक्र करो। महक दिशा को साइड करके कार चला के वहाँ से चले जाती है। दिशा बोलती आ गया मज़ा तुझे, हाँ करवा ली बेइज्जती, क्या जरूरत थी उसकी फिक्र करने की, हाँ खड़ूस गई कि पता नहीं खुद को समझती क्या है। यहाँ दिशा जो है वो अपनी स्कूटी चलाती है और वो थोड़ा ही आगे आई थी कि तभी उसे महक की कार देखती है। महक की कार एक दरख्त में लगी होती, दिशा परेशान हो जाती है, वो तुरंत अपनी स्कूटी रोकती है और कार की तरफ भागती है, और जिस चीज का डर था वही हो गया था। यहाँ महक कार के अंदर बेहोश पड़ी थी और उसके सर से थोड़ा सा खून भी आ रहा था। दिशा बोलती महक मैम आप ठीक है ना? ओपन द डोर प्लीज़, आर यू ओके? दिशा बहुत कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, पर दरवाज़ा जाम हो गया था, वो खुल ही नहीं रहा था। दिशा हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है, पर आसपास कोई भी नहीं था। दिशा को कुछ समझ में नहीं आता, वो इधर उधर देखते उसे एक पत्थर पड़ा हुआ मिलता है, वो पत्थर उठा दिया और उसे जो है वो पैसेंजर सीट का जो विंडो होता है ना, मतलब उस पर मारने लगती है। तब उसे महक की बात याद आती है कि मेरी कार बहुत महंगी है। दिशा बोलती कार देखो या फिर इनको देखो, नहीं नहीं यहाँ कहाँ छूटा तो शायद ही नहीं लग सकता। फिर दिशा बैक सीट पे जाती है और वहाँ का कांच तोड़ के कार को अनलॉक करती है, और फिर तुरंत जाके महक को कार से बाहर के सीट के निकाल दिया। महक दिशा की गोद में थी, दिशा नीचे बैठी थी, उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है, दिशा महक के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यहाँ दिशा के पापा बहुत परेशान थे महक सॉरी दिशा को लेके, दिशा अभी तक आई नहीं थी। वो कॉल करते हैं तो दिशा उन्हें बताती है कि मैं हॉस्पिटल हूँ। उसके पापा बहुत परेशान हो जाए, क्या हुआ तुम्हें? दिशा बताती है पापा मुझे नहीं, महक मैडम की तबीयत ख़राब है तो उनके साथ आई हूँ। उसके पापा बोलते कौन सा हॉस्पिटल, लोकेशन भेजो मैं आता हूँ। दिशा बोलती उसकी जरूरत नहीं है पापा, मैं हूँ सब देख लूँगी। यहाँ दिशा महक का सारा ट्रीटमेंट का खर्चा खुद उठाती है अपनी जेब से, और महक अभी भी अनकॉन्शियस थी। दिशा बोलती देखा मुझे पहले ही लगा था, मुझे इनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, आई बड़ी मैं खुद को ख्याल रख सकती हूँ।
तभी यहाँ महक के मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही थी। दिशा देखती है पापा के नाम से था। दिशा कॉल पिक करके सब बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसे महक की बात याद आती है कि मैं परेशान नहीं करना चाहती, पापा को पता चल जाएगा मेरी तबीयत ख़राब है, वो पहले ही बहुत परेशान है। अब दिशा को जैसे ही ख्याल आता है तो वो कॉल पिक करते रहते। अब हेलो हेलो सर, तो बोलते हैं हेलो तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है? तो बोलते सर मैं वो महक मैम की आई मीन महक की फ्रेंड हूँ। तो बोलती महक कहाँ है बेटा, मेरी बात कराओ उससे। दिशा बोलती वो महक सो रही है। कहते सो रही है मतलब? दिशा बोलती वो थोड़ी परेशान थी तो मेरे मेरे घर आए थे, तो बस यहीं पे थोड़ा आराम किया तो नींद आ गई उन्हें। इट्स ओके मैम, मैं जगा देती हूँ। जिस पर महक के पापा होते नहीं नहीं अगर वो सो गए तो कोई बात नहीं, रात भर सोई नहीं, इतने दिनों से परेशान है, अपनी परेशानी शेयर भी नहीं करती है, हमारे आंसू पोंछती है पर खुद के आंसू हम सबसे छुपाती रहती है। अच्छा हुआ कि वो सुकून से सो गए, तुम बेटा उसका क्या रखोगी मेरे लिए? दिशा बोलती श्योर श्योर सर आई मीन श्योर अंकल। और फिर दिशा कॉल कट कर देती है और महक को देखती है और कहती है सही कहा इनके पापा ने, सबका ख्याल रखते हैं पर खुद का नहीं। और फिर यहाँ दिशा वही महक के पास बैठ के उसका ख्याल रख रही थी, तभी डॉक्टर आता है, वो महक को एक ड्रिप लगा देता है और कहता है कि बहुत वीक हो गई है, लगता है खुद का ख्याल नहीं रख रही, इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर वहाँ से चला जाता है। दिशा वहीं बैठ के महक का ख्याल रख रही थी, महक को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, उसका फिर से फीवर भी हो गया था, तो वो जाके नर्स को बुला के आती है। नर्स महक का फीवर चेक करती है और उसकी ड्रिप भी उतर गई थी और उसको मेडिसिन वगैरह देती है। महक फिर से सो गई थी, दिशा वहीं बैठ के उसका ख्याल रख रही थी। अगले दिन सुबह सुबह महक की आँख खुलती है, वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में। महक डर जाती है मैं यहाँ कैसे पहुँची। महक के सर पे भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था, वो अपने सर पे हाथ रखती है जहाँ बैंडेज हुई हुई थी। महक बोलती है मैं यहाँ पहुँची कैसे। महक उठती है तभी उसकी नज़र दिशा पे जाती है। दिशा यूँ उसके बेड पे अपना हाथ रख के उसके ऊपर सर रख के बैठी हुई थी तो फेस नहीं दिख रहा था। महक बोलती ये कौन है, क्या ये मुझे यहाँ लाई? तभी नर्स आ जाती है। महक बोलती मैं यहाँ कैसे आई? तो बोलती ये लड़की आपको लाई थी, बहुत वरीद थी आपके लिए, पूरी रात इसने आपका ख्याल रखा। महक बोलती पर ये है कौन? तभी महक यूँ दिशा के हाथ पे हाथ रखती है, हेलो कौन हो तुम? तभी दिशा उठती रहती है, हाँ गुड 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 मॉर्निंग महक मैम, आप ठीक तो है ना? महक बोलती तुम? दिशा बोलती सॉरी वो मैं। दिशा उठ जाती है। महक बोलती तुम मुझे यहाँ लाई थी पर तुम्हें कैसे पता मेरा एक्सीडेंट? दिशा बोलती मैं वहीं से गुजर रही थी, आपकी कार देखी तो बस देखने के लिए रुकी, तब पता चला कि आपका एक्सीडेंट, तो मैं आपको यहाँ लाई थी। मैं बोलती मेरा मेरा मोबाइल कहाँ है? मम्मा पापा बहुत परेशान हो गए होंगे, शिट मेरा मोबाइल कहाँ है? तभी दिशा मोबाइल देती है, कहती डोंट वरी आपके पापा से बात हो गई थी। मैं बोलती आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ किसने बोला मेरे पापा से बात करने के लिए? तुमने तो पक्का उन्हें बता दिया होगा, वो कितने परेशान हो गए होंगे। दिशा बोलती ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं बोलती ओ जस्ट शट अप। महक तुरंत अपने पापा को कॉल करती है, उसके पापा बोलते गुड मॉर्निंग बेटा उठ गई तुम? महक बोलती हाँ हाँ मैं उठ गई। उसके पापा बोलते ठीक है तुम घर आओगी या दोस्त के घर से ही सीधे ऑफिस चली जाओगी? महक बोलती दोस्त के घर? उसके पापा बोलते हाँ तुम दोस्त के घर ही तो ठहरी हुई थी। तो महक बोलती हाँ हाँ मैं दोस्त के घर। अच्छा पापा मम्मा ठीक है ना? उसके पापा बोलते हाँ हाँ तुम्हारी माँ भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ घर आ रही हो ना? महक बोलती नहीं पापा ऑफिस जाऊँगी, मैं करती हूँ बात। महक कॉल कट करती है, दिशा को देखती है। दिशा बोलती देखा मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, है नहीं वे आई थिंक अब आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ। दिशा जाने लगती है तभी महक दिशा का हाथ होल्ड करती है। दिशा हैरान होकर पीछे की तरफ देखती है महक की तरफ। महक बोलती है थैंक यू मेरी फैमिली को इन्फॉर्म ना करने के लिए और मुझे यहाँ लाने के लिए। दिशा बोलती इट्स ओके। और उसके बाद दिशा वहाँ से चले जाते हैं। महक उठती है, वो नर्स से अपने कपड़े मांगती है तो नर्स उसके कपड़े ला देती है। महक चेंज करती है, फिर वो रिसेप्शन पे जाते हैं ताकि अपना बिल पे कर सके, तो उसे वहाँ पता चलता है कि बिल तो ऑलरेडी पेड हो चुका है। महक समझ आती है कि दिशा ने पे किया था। फिर महक घर में बैठ के ऑफिस की तरफ जा रही थी तो वो यही सोच रही थी मैं दिशा के साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर लूँ वो हमेशा मेरी हेल्प भी करती है। और फिर महक मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहे थे, महक की आंखों के सामने दिशा का फेस आ रहा था। दिशा एकदम से कार रोकती है और खुद को देखती है, छी मैं ऐसे कपड़ों में हॉस्पिटल से अभी आई हूँ और ऐसे में नहीं जा सकती, चेंज करना पड़ेगा, पर घर जाऊँगी तो मम्मा पापा परेशान हो जाएंगे बैंडेज देख के। फिर महक अपने फ्रेंड के घर चली जाती है, उससे कुछ कपड़े बोरो करती है, उसकी फ्रेंड भी परेशान हो जाती है कैसा हुआ एक्सीडेंट।
तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू ठीक तो है ना? मैं एक बता देती हूँ। हाँ ठीक हूँ, मेरी एम्प्लॉय दिशा, उसने मेरी हेल्प की, कहती अच्छा सुंदर है क्या? महक थोड़ा मुस्कुराती है, दिशा का फेस महक के सामने आने लगता है। महक बोलती हाँ सुंदर तो बहुत है। उसकी फ्रेंड बोलती पर तूने तो बोला था कि एक भी लड़की अच्छी नहीं है। महक बोलती हाँ पर मैंने कब कहा दिशा अच्छी है? वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा तो उसके बारे में बात करते हुए तू स्माइल क्यों कर रही थी इतने ज़्यादा? महक बोलती कुछ भी मत बोलो के मैं इस दुनिया में ना किसी भी लड़की को पसंद कर सकती हूँ सिवाय उस दिशा के, आई जस्ट हेट हर। उसकी फ्रेंड बोलती ओह तो यू जस्ट हेट हर, तो ये नफरत प्यार में कब बदलेगी मेरी जान? महक बोलती ओह व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। महक इतना बोल के अपने ऑफिस चली जाती है। सो गाइस आप लोग को क्या लगता है, महक की फ्रेंड ने जो बोला वही होगा, यानी ये नफरत प्यार में बदलेगी या फिर इनके बीच सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा? वैसे आज के पार्ट थोड़ा अच्छा तो था, इन दोनों के बीच कुछ तो अच्छे मोमेंट्स आए। वेल आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।